कोरोना वायरस से बचने के लिए एक तरीका ये भी है कि अगर आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी है तो इस वायरस से बचा जा सकता है। और इसी वजह से जब से सोशल मीडिया में भी और बहुत जगह अन्य जगहों पर ये जानकारी होने लगी है कि लोग अगर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं कुछ चीज़ों को खा के तो वो कोरोना वायरस से मुकाबला कर सकते हैं। उसके बाद ऐसी वस्तुओं की कीमतें जो हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं, जैसे कि नींबू हुआ या फिर अदरक है, लहसुन है, इन सब को खाने से बताया जाता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और इसीलिए इन सब की कीमतें जो हैं वो पिछले 10 दिनों में कह सकते हैं वो काफ़ी बढ़ चुकी है। इस वक्त हम एक फल दुकानदार के पास हैं, सब्ज़ी भाजी यहाँ पर बेच रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कीमतें किस तरीके से पिछले 10 दिनों में जो है वो बढ़ी है। क्या नाम हुआ आपका? उमा। उमा जी ये बताइए, नींबू आज कैसे बेच रहे हो? 15 रुपए दो सर। आज महाराज का दो, पहले कैसे बेचते थे? 10 दिन पहले 4 सर, पहले 10 रुपए 4 बेचते हैं, आज 10 रुपए 15 रुपए जोड़ा। और ये और अदरक का क्या दाम है आज? 40 पाव सर, 40 रुपए पाव, यानी 160 रुपए किलो। पहले कैसे बेचते थे? वही भाव, पहले 20 रुपए पाव, 20 रुपए पाव था, यानी 80 रुपए किलो था, अब 160 हो गया है। 160 हो गया। लोग ये सब खरीद रहे हैं, नींबू अदरक ज्यादा खरीद रहे हैं क्या? नहीं, कम कम थोड़ा थोड़ा से खरीदते हैं, थोड़ा 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 लोग खरीद रहे हैं। तो देख सकते हैं किस तरीके से पटना के बाजार में भी लोग जो है वो अदरक हो या फिर लहसुन हो या फिर नींबू हो उसकी ख़रीदारी में तेज़ी आ गई है और इसलिए इसकी वजह से जो इसके कीमतें भी हैं वो बढ़ गई हैं। लहसुन जहाँ तक अदरक बताया जा रहा है उसकी कीमत तो पूरी तरीके से डबल हो चुका है, 80 रुपये पहले किलो था, आज 160 रुपये किलो है। वहीं नींबू जो है पहले 10 रुपये का आपको 4 मिल जाता था पटना में, लेकिन आज 15 रुपये का 2 मिल रहा है, जो साफ तौर बता रहा है कि किस तरीके से लोग जो हैं इन सब वस्तुओं को जो है उसका सेवन कर रहे हैं ताकि कोरोना वायरस के खिलाफ जो अपने शरीर की शक्ति है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसे बढ़ाया जा सके। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना।